नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर और आज हम लोग एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई एक खबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप यहां पे देख सकते हो खबर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, जहां पे इथेनॉल के ऊपर टैक्स ब्रेक्स अनाउंस किए गए, ये बताया गया था बाय गवर्नमेंट। इथेनॉल के ऊपर जो इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के लिए बना है उसके ऊपर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पहले 18% हुआ करता था, इसको कम कर दिया गया है टू 5%। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के बारे में और इसके साथ जुड़े हुए एक स्कीम के बारे में हमारी चर्चा चलेगी। प्रधानमंत्री जीवन योजना के ऊपर हमारा डिस्कशन चलेगा, प्रधानमंत्री जैव ईंधन योजना। तो थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा जहाँ पे बहुत सारे MCQs में आपको मदद मिल सकती है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बायोफ्यूल्स, 1G बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, 2G बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, EBP प्रोग्राम क्या है, इससे जुड़े हुए एक डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हम लोग प्रधानमंत्री जैव ईंधन योजना के बारे में बात करेंगे। ऑल दो स्कीम 2019 में अनाउंस की गई थी, लेकिन इसके फेज 2 की फंडिंग के बारे में सरकार ने बताया इन द पार्लियामेंट, तो इसीलिए हम लोग जैव ईंधन योजना के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। To know all those things, stay with me on StudyIQ. और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, then visit studyiq.com या फिर डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द कोर्सेज, द फीचर्स, द डिस्काउंट्स, द प्राइस एक्सेट्रा, एवरीथिंग। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट में कि इथेनॉल के ऊपर GST कम हो चुका है। इथेनॉल जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंडर आता है उसके ऊपर GST पहले 18% भी थी, दैट इज इट यूज टू कम इन 18% ब्रैकेट, नाउ इट इज कम अंडर द 5% ब्रैकेट। साथ ही साथ सरकार ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जीवन योजना, प्रधानमंत्री जैव ईंधन योजना को नोटिफाई किया गया है, जहां पे सरकार प्रमोट कर रही है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन को। तो हम लोग अभी देखेंगे कि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन होता क्या है। यहां पे आप देख सकते हो फ्रॉम सेलुलोसिक एंड लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास। तो हम लोग इस स्कीम के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं व्हाट इज दिस डिफरेंट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल और इथेनॉल। देखिए, जनरेशंस ऑफ इथेनॉल या फिर जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल मैं कह सकता हूँ वो क्या होता है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल और फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल वो होता है जो आपको एडेबल बायोमास से आता है, यानी कि शुगर बीट हो गया, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, इन सब चीज़ों से अगर आप बायोफ्यूल बना रहे हो यानी कि इथेनॉल बना रहे हो, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन। और देखिए, जब भी फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होता है इससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी फूड सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो किस बायोमास से बन रहा है, गेहूं से बन रहा है। अगर हम लोग गेहूं इथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो खाएंगे क्या? दैट इज वाई वी ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? जो नॉन एडिबल बायोमास से आते हैं। नॉन एडिबल बायोमास मतलब क्या? जो बेसिकली वेस्ट होता है, जैसे कि वुड वेस्ट, जो स्ट्रॉ होता है, ग्रास होता है और एनी अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट, उससे हम लोग बायोफ्यूल बनाते हैं, दैट इज अ सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। और प्रधानमंत्री जैव ईंधन योजना में हम लोग पायलट बेसिस पे इसी चीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल होते हैं विच कम्स फ्रॉम दी अल्गे, बेसिकली मैक्रो और माइक्रो अल्गे। और फोर्थ जनरेशन इट इज थ्रू ब्रेक थ्रू मेथड्स। और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की, तीनों आपको बेसिकली फर्मेंटेशन से ही आते हैं, बस जो बायोमास है यानी कि जो पहली एंटिटी है, प्रीकर्सर है, वो अलग है। फर्स्ट कम्स फ्रॉम स्टार्च बेस, सेकंड कम्स फ्रॉम लिग्नोसेलुलोसिक जो वेस्ट है, थर्ड फ्रॉम अल्गे इटसेल्फ। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन है वहां पे एक डिफरेंट मेथड ही इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी फोटो फर्मेंटेशन, इट कैन बी पायरोलाइसिस, इट कैन बी सोलर टू फ्यूल टेक्नोलॉजी। तो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल इज दैट। और हम लोग यहाँ पे 2G पायलट बेसिस पे शुरुआत कर रहे हैं अंडर दी प्रधानमंत्री जैव ईंधन योजना। और ये सारा जो इथेनॉल है ये इस्तेमाल किया जाएगा फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। हम जानते हैं कि इंडिया ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स बनाई 2018 में, उसमें इन्होंने बताया था कि हमारा एक टारगेट रहेगा ऑफ 20% ब्लेंडिंग द पेट्रोल बाय 2030। अब ये ब्लेंडिंग क्या होता है हम जानते हैं। देखिए, अगर हम लोग पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, 100% पेट्रोल इफ़ वी यूज़ इन आर इंजन, इट इज़ वेरी फाइन। लेकिन पेट्रोल से एक तो पोल्यूशन होता है और पेट्रोल काफ़ी महंगा भी है, हम जानते हैं व्हाट इज़ द रेट गोइंग ऑन, 101-102 रुपीज़ पर लीटर। तो अगर हम लोग इस पेट्रोल में इमेजिन कीजिएगा 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे तो इसके काफ़ी फायदे मिलेंगे। आपको इंजन में कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इंजन इस पे भी चलेगा, लेकिन इथेनॉल की वजह से एक तो आपका प्राइस कम हो जाएगा और दूसरा है आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि इथेनॉल जब ब्रेक डाउन होगा तो इट गिव्स बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसलिए पोल्यूशन भी आपका कम ही होगा इससे, इज़न्ट इट?
तो मल्टीपल फायदे मिलेंगे। इसीलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है जहाँ पे 2030 तक हम लोग 20% ब्लेंडिंग करने वाले हैं। और अभी ये जो भी इथेनॉल प्रोड्यूस होगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जहाँ पे हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे उसके ऊपर GST भी कम हो चुका है, इट हैज़ कम अंडर 5% ब्रैकेट। इनफैक्ट हमारा एक रोड मैप भी बन चुका है, ये एक बहुत ही अच्छा सा डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का जो उन्होंने बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ कोलैबोरेट करके। इट इज़ अ रिपोर्ट ऑन एक्सपर्ट कमिटी जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे @RahulSai222 पे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की देन डू विजिट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। 70 पेज का डॉक्यूमेंट है, थोड़ा सा पुराना डॉक्यूमेंट है लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपकी काफ़ी मदद करेगा। 70 पेजेस में आपको कंप्लीट ओवरव्यू देगा अबाउट इथेनॉल, इथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया, इथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस है इसमें, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं योजना के बारे में जिसके बारे में सरकार ने बताया। प्रधानमंत्री जीवन योजना, जीवन योजना मतलब जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। अब ये फोकस करता है इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर, इथेनॉल प्रोडक्शन करें और इथेनॉल ब्लेंडिंग करें। मैंने आपको बताया हमारा EBP प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बातें की गई बाई 2030। हमारा सेमी टारगेट या फिर मिड लेवल टारगेट है 10%, इट वॉज 5% बिफोर, इट वॉज एनहांस्ड टू 10%, 20% बाई 2030। अब इस स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा, बायोफ्यूल प्रोडक्शन को प्रमोशन दिया जाएगा और ये जो बायोफ्यूल स्पेसिफिकली इथेनॉल प्रोड्यूस होगा इसको बेचा जाएगा टू द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ताकि वो उसे ब्लेंड करे पेट्रोल के अंदर, ताकि हमारा पेट्रोल का रेट भी कम हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम हो। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन योजना, इसको रेगुलेट कर रहा है सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे उन्हें अप्रेज करता है साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी अगेन अंडर दिस मिनिस्ट्री इटसेल्फ। अब क्या होता है इस स्कीम के अंडर, व्हाट इज द प्रोसीजर अंडर दिस स्कीम। देखिए इस स्कीम के अंडर 12 कमर्शियल स्केल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा और 10 डेमोन्स्ट्रेशन स्केल के 2G प्रोजेक्ट्स चलने वाले, 2G जो मैंने आपको बताया जो नॉन एडिबल बायोमास से बनाया जाता है। अब इसके अंदर होता क्या समझ लीजिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ एक इथेनॉल प्रोजेक्ट डेवलप करने में और मैं सरकार को अर्जी दूंगा दैट आई एम इंटरेस्टेड इन वन ऑफ दीज डेमोन्स्ट्रेशन स्केल प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मुझे वायबिलिटी गैप फंडिंग मिली। यानी कि अगर 100 रुपये का प्रोजेक्ट है तो कुछ प्रतिशत 20% या 30% फंडिंग मुझे सरकार से मिल सकती है ताकि मैं इस प्रोजेक्ट को डेवलप करूँ और इवेंचुअली इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में मदद करूँ। तो ये जो स्कीम आई थी ये तो 2019 में आई थी, इट वॉज नोटिफाइड इन 2019 जहाँ पे फेज 1 चला था। फेज 1 अभी भी चली रहा है, 2018 से लेकर 2022-23 तक चल रहा है जहाँ पे 6 कमर्शियल प्रोजेक्ट और 5 डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है और इसका फेज 2 शुरुआत हो चुकी है। फेज 2 2020-21 से 2023-24 तक चलेगी जहाँ पे जो बाकी के 6 प्रोजेक्ट हैं और बाकी के जो 5 पायलट प्रोजेक्ट है जहाँ पे 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा उनकी फंडिंग भी जा चुकी है, ये सरकार ने बताया। इसको कितनी फंडिंग दी गई है, देखिए टोटली 1969 करोड़ की फंडिंग जा चुकी है अंडर प्रधानमंत्री जैव ईंधन योजना, जिसके अंडर 1800 करोड़ 12 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को दिए गए हैं, 150 करोड़ जो शुरुआती दौर के डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है जहां पे हम लोग 2G इथेनॉल को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी फंडिंग गई है। इसके अलावा 19 करोड़ जो है एक्सपेंसेस है सेंटर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में आता है, यही बॉडी है जो इस पूरी स्कीम को रेगुलेट कर रही है। तो काफ़ी अच्छे से दिस स्कीम इज रनिंग एंड होपफुली इन अ कपल ऑफ ईयर्स वील गेट सम प्रोजेक्ट्स जिससे हमें पता चलेगा कि 2G सोर्सेस यानी कि नॉन एडिबल बायोमास से हम लोग इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे और बड़ी मात्रा में एट अ हायर लेवल, देन इवेंचुअली इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम विल बेनिफिट द एंटायर नेशन। That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.